कंपनी का नाम है क्लेरियंट केमिकल, जो सी एल एन इंडिया के नाम से सिंबल है एनएसई में, अभी 595-96 के लेवल पे ट्रेड होता है। ये बहुत ही शानदार दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे, और इनके जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो मेनली एग्रीकल्चर, एनिमल फीड, ऑटो, ट्रांसपोर्ट, फिर कोटिंग्स, पेंट्स, इंक्स और होम केयर, इन सब सेगमेंट को कैटर करने में काम आते हैं। फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है, रिटर्न ऑन इक्विटी में देख रहा था 53% के रिटर्न ऑन इक्विटी है, डेट इक्विटी रेशियो नील, पिछले तीन साल का पैट का कहकर 116%, मतलब जो FY18 में कंपनी का सिर्फ 21 करोड़ का पैट था वो बढ़के मार्च 2021 में 218 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया। पिछले साल डिविडेंड दिया, स्पेशल डिविडेंड दिया 140 रुपए का, इंटरिम डिविडेंड दिया 50 रुपए का, मतलब टोटल 205 रुपया पिछले साल डिविडेंड दिया है। और ये सब फंडामेंटल्स के बावजूद ये कंपनी के आज अगर मल्टीपल देखेंगे तो सिर्फ 6-7 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इनके पीयर्स अराउंड 30-35 के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। तो बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स और एक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 635 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है 590 रुपए। डालमिया भारत शुगर जो कि 480 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, बहुत ही सॉलिड कंपनी है, एक बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज्ड शुगर कंपनी है, बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और शुगर सेक्टर तो हम देख ही रहे हैं बहुत ही एक शुगर का जो फंडामेंटल्स में बदलाव है वो तो है ही। इसके अलावा एथेनॉल की भी स्टोरी प्ले आउट हो रही है। इस कंपनी के नतीजे कल आने वाले हैं अनिल जी, मैं बुलिश हूँ इसके नतीजों पर, मुझे लगता है आज बिल्कुल इसको खरीदना चाहिए 480-482 के लेवल पे। और एक और जो अभी अभी खबरें आई कि बलरामपुर चीनी जो कि सेक्टर का लीडर है उसने आज अनाउंसमेंट करा है 9 अगस्त को नतीजे आएंगे और नतीजों के साथ बाईबैक करेंगे, मतलब शुगर सेक्टर में इतनी तेजी के बाद आज इन लेवल्स पे भी बलरामपुर चीनी अपने स्टॉक को बाईबैक करने जा रही है, जिससे और कॉन्फिडेंस आता है कि दे फाइंड वैल्यू इन शुगर स्टॉक्स इवन एट दीज लेवल्स। तो आप किस तरह की तेजी इस सेक्टर में हो सकती है वो अंदाजा लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 510 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 475 रुपए का।